कर रहे हैं, सीधा प्रसारण देख रहे हैं सबसे तेज प्रसारण टाइम से। उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी कैसे सूचना मिली, कैसे पहुंचे? ये हमें कई लोगों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही बनकर बाकायदा हिंदू यात्री जो लोग यहाँ श्रद्धा से लंगर इत्यादि बांटते हैं उनके खाने का काम करके ये लोग हमारे आस्थावानों का धर्म भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। और आज ये देखो ये भगवा कुर्ता पहन के यहाँ पे और पूरा सज सुजा के इस तरह कि जैसे ये भी हिंदू हो, ये सीधा सीधा हमारे धर्म की आस्था पर सीधा सीधा एक कुठाराघात है, षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को आज हमने खोल दिया। तो देख रहे हैं सीधा प्रसारण सबसे तेज के साथ, ये सब पराठे देखो खाने का सामान है ये, जबकि हमारे हिंदू यात्री बड़ी शुद्धता के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं, लोगों में लंगर बांटते हैं, लेकिन ये लोग कितने धोखे के साथ, किस साजिश के साथ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी हमने पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस आके इनको सभी, हमने अपने पदाधिकारियों को भी सूचना दे दी और सब लोग आ रहे हैं, इनको भी अरेस्ट करवाएंगे। और सबसे बड़ा धोखेबाज ये दुकान वाला जिसने इन्होंने रख रखा है, ये यहाँ भी सब मिलकर रख रखा है और उसके बावजूद भी ये कहता है कि नहीं ये हम कुछ दिन के लिए जो हमने यहाँ रखा। तो देखिए इन्होंने गंगा भक्त जो है गंगा सभा के पदाधिकारी सिद्धार्थ चक्रपाणी जी, उज्ज्वल पंडित जी यहाँ मौके पर आए, इन्होंने इस युवक को पकड़ा है, आरोप यह है कि ये मुस्लिम है और ये आईडी का आप दृश्य देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये गंगा कुछ ही कदमों की यहाँ से दूरी पर है, ये माँ गंगा है और ये जो आस्था एक आस्था से खिलवाड़ है और ये एक बड़ा मामला है।